सऊदी अरब अब एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जो कि हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह होगा। इस शहर की लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर होगी। इस शहर का नाम रखा गया है नियोम द लाइन। इस प्रोजेक्ट का खुलासा 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। इस सिटी को बनाने 500 बिलियन डॉलर यानी करीब 39 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से इस हाईटेक नियोम शहर में लोग रहना शुरू कर देंगे। ये सिटी लंदन से 17 गुना बड़ी होगी। ये शहर ड्रोन फ्रेंडली होने के साथ ही रोबोटिक्स का भी सेंटर होगा। इस शहर में ड्रोन टैक्सी, जुरासिक पार्क के स्टाइल में अम्यूजमेंट पार्क और एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद भी होगा। यहाँ ऐसे लिफ्ट की बात कही गई है जो किसी तरह हवा में ही चलेगी और पूरा शहर इनसे जुड़ा होगा। आप इस शहर में एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। द लाइन शहर आधा किलोमीटर ऊंची कांच की दीवारों से ढका होगा, यानी ये पूरा शहर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा जहाँ किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। सो आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट करके जरूर बताओ। एंड ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।